गौरी जिते तुम आसी नथिल आउ जणे गौरी हे ए गंभीरागड़ रासी ठिया हले सेतेबेले सबु राति उआस राति पूरी लागुथिला आकाश को देखिले केवल कला अंधार पर ही लागुथिला किंतु तुम्हें आसे पर देख झिलमिल तारा ए चक चक करता जन अति सुंदर देखा एबे देख से गोटे जन अच्छी जहाँ देहरे कलंक अच्छी क्षय अच्छी वृद्धि भी अच्छी हेले मो पाखे गोटे जन अच्छी जहाँ देहरे कलंक नहीं क्षय नहीं कि वृद्धि भी नहीं सब वाले तोफा निष्कलंक जन मो आखिरे देख तुम से जन को देखिपार ସତରେ ତମ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ବାହା ହେଇଯାଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ କାନ୍ଧ ତମର ବନ୍ଧକ ହେଇ ରହିଯିବ ଗୌରୀ ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କହୁଛି ଆମ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ ହେଇକି ରହିବ ଆମ ବାହାଘରରେ କିଛି ବି ଅନିଷ୍ଟ ହେବନି କି କିଛି ବି ବିପଦ ଆସିବନି ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଲିଭ ରଖ ଶଶାଙ୍କ ଶଶାଙ୍କ ଗୌରୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଗୋସେଇ ଗୋସେଇ ଗୌରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି
आ मु फेरिबा पर्यंत तमे नेतिवाचक शक्ति आ अपशक्ति ठरु दूरै रहिबो। कौन भाव गोसाई कहले नेतिवाचक शक्ति अपशक्ति दूरे रहा से शक्ति किए कौट आस परिचय कौन रूप केमती कौन से विषय तो किसी भी कहले आम से शक्ति को चिन्हवा केमी मु आसिया बाटे से अपशक्ति बहुत हैरान कर बुझी पड़नी गंभीरगढ़ में शक्ति आसला कौट आउ अच्छा कहीं कौन नष्ट कर तो आम कि भी कर आग को आम प्रभु अर्धनारीश्वर मूर्ति सन्धान बाहर खोजी आनी पुणी शून्य मंदिर स्थापन कर सब गोटे दिन संभव नुहे कि केवल आम दिज चाहिए करते बे ए अपशक्ति आम दीज को असुविधा पकेबा पे चेष्टा कर गौरी कड़े पड़े आगु लोक मैंने कहते गौरी जमीदार घर आड़े जाऊ तो नकली गौरी थी ये तो असली ये कड़े गले कौन हैला? अरे किसी नौकरी कोड़े पड़ी जाती थी मुँह पर डॉरी जाती थी अरे बाबा इतने डॉरी बार कौन अच्छी? देखो एक गंभीरा गड़ा हुई ची एबे तू मोगा मोर जुआड़े इच्छा जितने बड़े इच्छा मुझे आई परी भी अरे बाबा तो मैं जा ही परी भी किन्तु नौजवान ही गले मुझे डॉर लगी बनी देखो शशन एबे ए टा ही आमा घर आ घर अगणारे गोटे तुलसी गच रहा दरकार कि नहीं जान आम घर अगणारे भी गोटे तुलसी गच अच्छी देखी जी, तुम घर अगणार तुलसी गच सागर तुम रेगुलर कथबार्ता हो चल एबे आम दीज मिस गच्छ को लगे आपको बड़ भी कर चल तुम धर गोटे हाँ हाँ आस आराम से माँ तुलसी तुम्हें शीघ्र शीघ्र बड़ हो जाओ गंभीरगढ़ दुख शीघ्र शीघ्र सरी जाओ
ससांग बाबू हाँ कौन है शीघ्र आस बसे फेरी आस चलो इंस्पेक्टर पचारे डिटेल्स बुझिलनी हां पचारिली किंतु इंस्पेक्टर मते कहले जे आपण थाना को आसंदो सब कथा पळे जानि परिबे निश्चय गौरी विषय रे किछ खबर थिबो हां हेइ थिबो भगवान करंतु गौरी रा खबर मिलि जाओ और से जोठी थाओ भलो रे थाओ गोसाई आपण फेरी आसिले आमर अधि चिंता शेष हो गल ना मो नुहे एमती भव्य स्वागतर हकदार होती शशांक आ गौरी गौरी स्वागत पाई तुम्हें माने सब एमती कर अरे तुम मान मंगल गोटे झील तार बाप माँ घर पर समस्त को छाड़ ये आम तक स्वागत जनवानी अरे यहाँ हूँ गोटे सामान्य शिष्टाचार आम मिसिक दुई खंड लुगा दे अधिका किसी करूँ दी खंड लुगा देक भावुच बहुत करदेल आम भाविलु से विग्रह खोजा गला बेले जहाँ करवा कथा करू विग्रह को खोजापी ए बहुत समय बाकी अच्छे अखंड सौभाग्यवती हो जन्म तुम सार्थक हो गोसाई आपण एवं कहले विग्रह खोजारे डेरी अच्छे बोली किंतु आम तो आपण आशीर्वाद को अपेक्षा करूँ शुभ से शीघ्र विलंबे कार्य सिद्धि प्रथम गंभीरागढ़ में तुम दीज को उचित स्वागत संवर्धना दिजिव गौरी आ शशांक गंभीरागड़े एकाठी होगा गोटे छोट कथा नुहे गंभीरागड़ भाग्य तुम दीज हाथ में जदि तुम दीज स्वागत किसी भी टी अभाव रही जाए ताहले ए गंभीरागड़ को बहुत बड़ असुविधा आसब मुए गाँ लोक आत्मीयतार संतुष्ट अच्छी आज दरकार ही ना हाँ गोसाई मोर भी दरकार ना गौरी कथा अलग से प्रथम थर ये आंतु मु तो ये पुराणा ही सारे गोसाई ठीक कहते शशांक बाबू आम भूल से भूल को सुधार पड़ो एत बड़ अवसर रे उत्सव हवा उचित Thank you.
ଗୋସେଇଁ, ସ୍ୱାଗତ ଉତ୍ସବ ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ବିଗ୍ର ସନ୍ଧାନରେ ଯାଇପାରିବୁ ତ? ପ୍ରଥମେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ଆଗେ ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଡେଡ୍ ବଡି ପାଇଛୁ। ବଡିର ମୁହଁକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ବିକୃତ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ମୁହଁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ହେଉନି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମୋତେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠିକି ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ମୋ ଗୌରୀ କେବେ ବି ହେଇନଥିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଡେଡ୍ ବଡି ପାଖକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ନେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୋସେଇଁ, ଆପଣ ଏକ ହି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଗୌରୀ ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକି ଅର୍ଦ୍ଧନାରେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କେବଳ ବିଗ୍ରହ ସନ୍ଧାନ କରିବା ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଶଶାଙ୍କ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଗ୍ରହକୁ ଆଣି ଏ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାଜବାଟିରୁ। ଗାଁରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ରାଜବାଟୀ ଅଛି। ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସମୟରେ ରାଜା ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ। ଦର୍ପନାରାୟଣଙ୍କ ଶାସନ ଯାଏଁ ସେ ରାଜବାଟୀର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରେ ରାଜବାଟୀ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେହି ରାଜବାଟୀ ହିଁ ଏ ସମଗ୍ର ଇତିହାସର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ। ଗୋସେଇଁ, ଆମ ଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରାଜବାଟୀର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଆମେ ତ ବିଗ୍ରହ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯିବୁ ନା? ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବିଗ୍ରହ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତାହାର ସୂଚନା କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସୂଚନା ଅଛି ସେଇ ରାଜବାଟୀରେ। ତେଣୁ ଏ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସେଇ ରାଜବାଟୀରୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ରାଜବାଟୀକୁ ସିଧା ଯିବୁ। ଆଉ ଶୁଭ କାମରେ ଡେରି କାହିଁ କରିବା? ରୁହ, ରାଜବାଟୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତମେ ଯେତିକି ସହଜ ଭାବୁଛ ତାହା ସେତିକି ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ରାଜବାଟୀ ଭିତରେ ଯିଏ ପଶିଛି ସେ ଫେରିବାର ବାଟ ଜମା ପାଇନି। ସେଠି କେବଳ ଯିବାର ପାଦଚିହ୍ନ ମିଳିବ, ହେଲେ ଫେରିବାର ପାଦଚିହ୍ନ ଜମା ମିଳିବନି। ଗୋସେଇଁ, ଯାହା ହବା କଥା ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ରାଜବାଟିକି ଯିବୁ। କିଏ ଜାଣେ, ଫେରିବାର ପାଦଚିହ୍ନ ଆମର ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସେଠିକି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ, ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ସେମିତି ହିଁ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ।
जय प्रभु अर्धनारीश्वरंकर, जय प्रभु अर्धनारीश्वरंकर, जय प्रभु अर्धनारीश्वरंकर। मु भी देखिबी एमाने राज्य बाटी रे केमिति पसिबी।